अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और अभी तक आपको ई श्रम कार्ड का कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है, तो इस वीडियो में आपको फैमिली आईडी को कैसे ऐड करते हैं उसका प्रोसेस मैं कंप्लीट दिखाने वाला हूं। जब आप फैमिली आईडी को ऐड करेंगे उसके बाद आपको ई श्रम कार्ड का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले आना है गूगल पे और आपको सर्च करना होगा ई श्रम। इसके बाद जैसे आपके नीचे आ जाएगा ishram.gov.in, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो आपको नीचे आना है थोड़ा सा। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री लिखा है, आप यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, आप यहाँ पर यूएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए थ्री लाइन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यहाँ पर क्लिक करके नीचे आपको मिलेगा अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है आपका आधार नंबर किस मोबाइल नंबर से लिंकेज है, उस नंबर को यहाँ पर डालेंगे। ये जो कैप्चा है यहाँ पर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन, आप यहां पर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आधार नंबर को यहां पर डालना है, फिंगरप्रिंट, इरिस और ओटीपी। आपको सिंपली से ओटीपी पर क्लिक कर देना है ताकि आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, उसके जरिए आप यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा है यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर में फिर से एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को यहाँ पर डाल के वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे करेंगे ऐसे, योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने शो करेगा। आपको यहाँ पर एक चेकबॉक्स मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर भूल से भी क्लिक मत कीजिए, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका श्रम कार्ड डिलीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे क्लिक करना है अपडेट ई के वाई सी इन्फॉर्मेशन में। इसके बाद आपको क्लिक करना है अपडेट प्रोफाइल में और आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद एड्रेस पर क्लिक करना है। इसके बाद यस पर क्लिक करना है, आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, स्पेसिफिक आईडी आपको यहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा बताऊंगा। इसके बाद अपना करेंट एड्रेस आप यहाँ पर डिटेल्स में लिखेंगे और यहाँ पर बोलेंगे कि आप करेंट लोकेशन में अभी आप जहाँ पर सेलेक्ट किए हैं कितने साल से रह रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके कितने साल से, 10 साल, 10 साल से 20 साल, 4 से 5 साल, 2 से 3 साल, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। 20 से 25 साल तक भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है और 25 साल से ज़्यादा भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस डालेंगे और नीचे अपडेट पर क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा, स्टेट स्पेसिफिक आईडी। आपको यहाँ पर मिलेगा कैसे, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करके ओटीपी डालने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो ओटीपी डालने के बाद नीचे कैप्चा आपको मिलेगा, यहाँ पर भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, आप यहाँ पर देखिए स्टेट नेम है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना स्टेट को यहाँ से चूज़ करेंगे, स्टेट को चूज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ऐसे। इसके बाद आप ब्लॉक टाइप में ब्लॉक है या फिर यूएलबी है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक नेम डालेंगे, नीचे आएंगे विलेज नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए सर्च का एक बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी विलेज के नाम पर पर्टिकुलरली आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक पीडीएफ फाइल है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में और देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया हूँ, डाउनलोड होकर आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। आप यहां पर ऐसे क्लिक करेंगे इस पीडीएफ फाइल को तो आपके सामने आप जिस लोकेशन में सेलेक्ट करेंगे उसका डिटेल्स आ जाएगा। यहां पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, यहां पर देख सकते हैं ये है फैमिली आईडी, आपको इस आईडी की ही ज़रूरत होगा। तो आपको क्या करना है, आपका नाम कहाँ पर, यहाँ पर आपको सर्च करना है, काफ़ी सारे नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपके विलेज में आपका नाम कौन सा है कैसे सर्च करेंगे, यहाँ तो कंट्रोल ऐप करेंगे अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो, और अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आप एक एक करके देखना होगा। इसके बाद जहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर फैमिली आईडी मिलेगा, इसको आप कॉपी करेंगे, नहीं तो आप इसे लिख लेंगे। इसके बाद अपना जो ई श्रम वाला पेज पर आ जाएंगे, इसके बाद उस फैमिली आईडी को यहाँ पर डालेंगे यानी कि एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद जब भी गवर्नमेंट की तरफ से ई श्रम कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी फंड निकलेगा, कोई भी स्कीम निकलेगा या फिर कोई भी फ़ायदा मिलने का कुछ भी हुआ रहेगा तो आपको सीधे ही मिलेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा था प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।